प्रिय विद्यार्थियों, आज हम याद करेंगे खारे पानी की झीलें और वो ट्रिक की सहायता से। देखिए, आपको बहुत शानदार ट्रिक हमारे पास है खारे पानी की झीलों की। तो स्टार्ट करते हैं हम खारे पानी की, और ये हमारे पास है झील। अब क्या हमारे पास वो ट्रिक है वो देखते हैं हम। यहाँ पे खारे पानी की झील याद करेंगे हम। तो ट्रिक हमारे पास यहाँ पे ट्रिक तो ट्रिक हमारे पास है बाप रे साड़ी का पल्लू। बाप रे साड़ी का पल्लू। कुत्ता फाड़े रे ना। बाप रे साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे ना। इसमें खारे पानी की झीलें हमारे पास आ गई है। देखिए, आप नाम देखते हैं। बाप जो झील हमारे पास है ये जोधपुर की है। बाप झील कहाँ की हमारे पास है? जोधपुर की झील है। बाप खारे पानी की झील है हमारे पास जोधपुर की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दूसरी झील है रे। रे हमारे पास है रेवासा। रे हमारे पास कहाँ पे? रेवासा। रेवासा हमारे पास है सीकर। नेक्स्ट हमारे पास है सा। हमारे पास है सांबर। सांबर की सीमा तीन जिलों सकती है, जयपुर, अजमेर और नागौर। डी हमारे पास है डिरोना। ये हमारे पास नागौर। का हमारे पास है कावोद। कावोद हमारे पास है जैसलमेर में। एक काछोड़ हमारे पास है। काछोड़ भी हमारे पास सीकर में हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है पंचपदरा। ये हमारे पास कहाँ पे? पंचपदरा। ये हमारे पास बाड़मेर में। ये हमारे पास है लूण करणसर बीकानेर की है। कुछ हमारे पास है कुचामन नागौर में। तास हमारे पास है ताल छापर चूरू। पास हमारे पास है पोकरण जैसलमेर। और एक फलौदी बना सकते हो जोधपुर। डेस हमारे पास है डेगाना। रे हमारे पास है रेवासा। और लास्ट ना हमारे पास है नावा। नावा पड़ता है नागौर में। और नावा नागौर में हमारे पास नमक की मंडी भी है। और आदर्श लवण फार्म की बात करें तो भी हमारे पास नावा नागौर में। तो नमक नमक